तो हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमारी निजी सुरक्षा के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है किसी भी तरह की, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए जो चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, हम आज बात करेंगे एज ए इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि हम असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के कोर्स की बात करें तो उसमें मोस्टली ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। पहले नंबर पर आपका हेलमेट, आपका सेफ्टी हेलमेट। अगर आप कहीं जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, या तो आप कहीं हाइट की जगह पे ऊंची जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, ताकि अगर ऊपर से कुछ छूट जाए, अगर किसी के पास से कुछ गिर जाए, अगर बंदा गिर जाए, तो उसके सर की किसी भी तरह की चोट से प्रोटेक्शन हो सके। और दूसरा है आपका सेफ्टी गॉगल्स। गॉगल्स क्या होता है? आपके चश्मे जिन्हें आप पहनते हैं, आपके गॉगल्स इस तरह के होते हैं कि आप अगर कोई पेंट वगैरह कर रहा है कि आपकी आंख में पेंट ना चले जाए, अगर कोई बंदा वेल्डिंग कर रहा है तो उसका वेल्डिंग का मटेरियल आंख में ना चला जाए, तो आंखों की प्रोटेक्शन के लिए जो यूज़ होता है उसे बोलते हैं सेफ्टी गॉगल। ऐसा होगा आपका सेफ्टी गॉगल, ठीक है जी। और उसके बाद आपका रिफ्लेक्टिंग जैकेट। अगर आप रोड पर काम कर रहे हो, यहाँ पर रात को रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पर आती जाती गाड़ियों को पता चल जाए कि सामने कोई बंदा काम कर रहा है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो रिफ्लेक्टिंग जैकेट। तो ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग जैकेट। इसके ऊपर ये रिफ्लेक्टिंग स्ट्रिप्स लगी होती हैं, वो क्या करेंगी, जब किसी भी गाड़ी की आपके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देंगी। इसे ऐसे पहनते हैं जी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं एप्रॉन। एप्रॉन आपका एक जैकेट ही होता है, उसके ऊपर ऐसे आप उसे अपने फ्रंट पर टाइट कर लेते हो। उसमें क्या होता है, उसमें मल्टी पॉकेट्स होती हैं, ज़्यादातर पॉकेट्स होती हैं कि अपना जो सामान आपको चाहिए काम करते समय, आप उसको उस पॉकेट्स में होल्ड कर सकते हो। और उससे एक बेनिफिट और है, काम करते हुए आपके कपड़े गंदे नहीं होते। आपने देखा होगा जो होटल वगैरह पे बंदे काम करते हैं, खाना बनाते हैं, उन्होंने जो आगे कपड़ा पहना होता है उसे एप्रन बोलते हैं। उसके बाद है नोज़ मास्क। अगर आप कहीं खुदाई का काम कर रहे हो, कहीं माइनिंग चल रही है जहाँ पर कोला निकलता है, वहाँ पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दमे की बीमारी हो जाती है। तो नोज़ मास्क ऐसा मास्क होता है जो हम आजकल भी पहन रहे हैं, पता है हमें, जो हमारे सांस को फिल्टर कर देता है कि अपने अंदर धूल मिट्टी के कण ना आ जाए। और उसके बाद आपके सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा तो उससे सेफ्टी शूज़ आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि ये करंट को धरती में पास नहीं होने देंगे। आपने ये तो या तो रबड़ के यूज़ करने हैं, या तो आपने इसको लेदर के यूज़ करने हैं। ऐसे होते हैं आपके सेफ्टी शूज़। और इनमें एक और ख़ास बात है, इनका जो फ्रंट होता है ना, जहाँ पर आपकी उंगलियाँ होती हैं, वहाँ पर हार्ड मेट नीचे मेटल लगाया होता है कि अगर आपसे के हाथ से कोई भी इक्विपमेंट छूट जाए तो वो इसके ऊपर गिरे और वो गिर के नीचे गिर जाए, ताकि आपके पैरों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो उसके बाद है आपका सेफ्टी हार्नेस बेल्ट। आपने देखा है कि बहुत लोग काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बाहर पेंट कर रहे होते हैं, उन्होंने पेट अपनी कमर पर एक बेल्ट बांधी होती है और वो रस्सी ऊपर लटकी होती है, तो उस बेल्ट को बोलते हैं सेफ्टी हार्नेस बेल्ट। तो कभी भी ऊंचाई पे काम करना है, चाहे वो थोड़ी ऊंचाई है, सेफ्टी हार्नेस बेल्ट लगा के काम करना है, कि अगर बाय चांस आपका हाथ छूट जाता है वहाँ से काम करते, आप सीढ़ी से गिर जाते, तो सेफ्टी हार्नेस बेल्ट आपको होल्ड कर ले। और उसकी मिनिमम हाइट होती है 1.8 मीटर, मिनिमम कम से कम ऊंचाई उसकी 1.8 मीटर की है काम करने के लिए, उसके ऊपर आप जितनी मर्जी यूज़ करो। अब हमने बात की थी हेलमेट की, तो हेलमेट आपके 5 कलर के होते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और वाइट। जो नीले कलर का हेलमेट होता है आपका, ये वाला, तो ये आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रीशियन के लिए, कारपेंटर के लिए, और किसी भी तरह का कोई टेक्नीशियन काम कर रहा है इंडस्ट्री में, उसने ब्लू कलर का हेलमेट पहनना है, ठीक है जी। और उसके बाद है ग्रीन। ग्रीन आप हेलमेट यूज़ करते हो सेफ्टी ऑफिसर के लिए, जो आपके इंडस्ट्री की सेफ्टी देखता है कि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, सभी अपना एनवायरमेंट सेफ्टी का काम हुआ है, वहाँ पर एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं, तो वो सेफ्टी वाला जो बंदा है, सेफ्टी ऑफिसर है, वो ग्रीन हेलमेट पहन लेगा। और रेड पहना होता है आपके फायर फाइटर ने, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए जो बंदे आते हैं उनने रेड कलर का हेलमेट पहना होता है, ठीक है जी। और उसके बाद है येलो। जितनी भी लेबर है, कोई भी हो चाहे, वो सारी तरह की लेबर आपकी ब्लू कलर का हेलमेट पहनती है, सॉरी येलो कलर का हेलमेट पहनती है जो आपकी लेबर है, ठीक है। और उसके बाद करते हैं वाइट। जो आपके इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, फोरमैन हैं इंडस्ट्री में, वो सब क्या करते हैं, सुपरविज़न करते हैं, तो सुपरविज़न करने वाले बंदे जितने भी होते हैं उनके हेलमेट का कलर वाइट होता है।
तो वो वाइट कलर का हेलमेट पहनते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमने डिस्कस किया पीपी हम पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। जो आपके हैंड ग्लव्स होते हैं वो रबड़ के होते हैं। एक मिनट, आपको हैंड ग्लव्स, ये रहे आपके हैंड ग्लव्स, ये ऐसे रबड़ के होते हैं। हम इसे ऐसे पहनते हैं ताकि अगर कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल वायर को हम गलती से लाइव टच कर लें तो हमें शॉक ना लगे। ये इलेक्ट्रिसिटी से हमें बचाते हैं। ठीक है जी, और ये काम के मुताबिक आपके हैंड ग्लव्स चेंज हो जाते हैं। जैसे फिटर में कॉटन के ग्लव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग में कोई और यूज़ करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिशियन के लिए जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो रबड़ के होते हैं। रबड़ क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट करता है।